काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि जनपद में शराब माफियाओं द्वारा भारी मात्रा में स्प्रिट व शराब बनाने के अन्य वस्तुएं लाकर भारी मात्रा में शराब निर्मित कर बिहार राज्य भेजी जा रही है। सूचना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस तथा स्वाट टीम ने बेलीपार थाना के डबरपार के पास से एक ट्रक से 60 ड्रम स्प्रिट बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है तथा उसके कब्जे से भारी मात्रा में विभिन्न कंपनियों के ढक्कन, बंटी बबली स्टिकर, बारकोड बरामद किया गया। आपको बता दें कि 60 ड्रम में बरामद कुल 12,000 लीटर स्प्रिट से करीब 80 लाख की शराब निर्मित कर तस्करी किए जाने का अनुमान है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान पंजाब के पटियाला निवासी जज सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के रूप में हुई है, जबकि इसकी डिलीवरी लेने वाले अर्जुन जायसवाल पुत्र विभूति निवासी डबरपार थाना बेलीपार तथा सौरभ जायसवाल पुत्र रामेश्वर प्रसाद जायसवाल निवासी न्यामचक थाना कोतवाली फरार हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम आलोक शर्मा ने बताया। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम के प्रभारी सत्यप्रकाश और धीरेंद्र राय और आबकारी निरीक्षक अमित कुमार श्रीवास्तव के जॉइंट ऑपरेशन में 60 ड्रम स्प्रिट 60 ड्रम्स स्प्रिट जिनमें लगभग 12,000 लीटर स्प्रिट है बरामद की गई है डबर पार्क के आसपास। और इसमें जो व्यक्ति इसे लेकर के आ रहा था हरियाणा से, उसे इसकी डिलीवरी यहीं गोरखपुर में ही देनी थी। उससे संबंधित जो व्यक्ति उसकी रिसीविंग जिन्हें करनी थी उनके क्रमशः जो नाम हैं वो हैं सौरभ जायसवाल और अर्जुन जायसवाल। और जो व्यक्ति इसे लेकर के आ रहा था वो व्यक्ति मूल रूप से पटियाला पंजाब का रहने वाला है, उसका नाम है जत सिंह। और इस के अतिरिक्त इससे यूरिया और बंटी और बबली ब्रांड के रैपर्स और IGL के ढक्कन इत्यादि अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। ये इस स्प्रिट से बहुत सारी मात्रा में शराब की बनाने की प्रक्रिया का यह हिस्सा है और लगभग 12,000 लीटर स्प्रिट से काफ़ी मात्रा में, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुंचती, की शराब बनाई जा सकती। नहीं, वो लोग मौके से नहीं पकड़े जा सके जिन्हें ये बेचने आ रहा था। मैंने उनके नाम अभी आपको बताए हैं जिनको डिलीवरी लेनी थी इसकी, और मालिक से, इसके मालिक और ये और जो डिलीवरी लेने वाले थे, इन सब का पूरा एक तंत्र था जिस संबंध में ये कार्रवाई की गई है आबकारी विभाग के जॉइंट ऑपरेशन में, और पुलिस को अच्छी सफलता इसमें मिली है। इससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देसी तो बनाई ही जा सकती है, अंग्रेजी बनाने की भी संभावना लगती तो है, कुछ कहा नहीं जा सकता। नकली बनाई जा सकती है, इस बारे में और इन्वेस्टिगेशन और प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले भी पकड़ा गया है? हाँ, अभी कल ही परसों ही पकड़ा गया है, जिसमें बंटी बबली ब्रांड के IGL के बहुत सारे ढक्कन, इंपीरियल ब्लू के, सीग्रैम के बहुत सारे ढक्कन मिले हैं। वो ढक्कन बेसिकली, और उसके बाद वो ढक्कन जो बॉटल है उस पर फिट कर दिए जाते हैं, और उसमें इस तरह की जो अवैध शराब है वैसे। कितने दिनों से धंधे में लिप्त है काफ़ी समय से। अब पुलिस का जो नेटवर्क है डेट इज वर्किंग, और उसमें भारी रिकवरी है। 60 ड्रम स्प्रिट बहुत बड़ी मात्रा होती है, मतलब उसमें आप 3 गुना मिनिमम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से 5 गुने तक मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कॉस्ट लगभग इसकी जो है वो लगभग 7-8 लाख इससे शराब तो बहुत बन सकती है। इसका कंसंट्रेशन बहुत हाई है ना, स्प्रिट का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, और जो इससे लीकर बनाई जाती है वो डिपेंड करता है कि उसमें कंसंट्रेशन कितना है। लीकर में कंसंट्रेशन और जो अन्य चीज़ें
मदिरा से संबंधित बनाई जाती हैं उसमें बेसिकली कंसंट्रेशन का ही मेन इशू होता है कि किसमें लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एल्कोहल का कितना है, ये प्योर एल्कोहल है।